देश भर में कैंसर के मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में कैंसर मरीजों के लिए मोबाइल निदान वैन एक संजीवनी का काम कर रही है। भारत की जनसंख्या तकरीबन 130 करोड़ है। इनमें से करोड़ों लोग पूरे भारतवर्ष में अलग अलग कैंसर से पीड़ित है। हर किसी मरीज का आना अस्पताल में संभव नहीं होता, इसीलिए जिला नियोजन समिति जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से सन 2018-19 के मिलने वाले अनुदान से नई योजना के तहत कैंसर को प्रतिबंध करने और उसका इलाज करने के लिए दक्षिण नागपुर के राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज कैंसर रीजनल अस्पताल में मोबाइल कर्करोग निदान वैन दी गई है। इस वैन में मुख का कैंसर की जांच व निदान किया जाता है। गर्भाशय कैंसर का वीडियो कॉल्पोस्कोप द्वारा परीक्षण किया जाता है। डेंटल यूनिट, पैथोलॉजी यूनिट के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर की जांच एवं परीक्षण इसी वैन में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कैंसर मरीजों का किया जाता है। आइए इस मोबाइल कर्करोग निदान वैन के बारे में हमारे संवाददाता संजय मीरे इनकी ये रिपोर्ट कर भला तो सब भला में देखते हैं। दर्शकों नमस्कार, इस समय में इन विशेष की टीम दक्षिण नागपुर के अंतर्गत आने वाले राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज रीजनल कैंसर अस्पताल में आई हुई है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे जिलाधिकारी के ओर से यानी महाराष्ट्र शासन की ओर से ये जो है कर्करोग वैन एक दी गई है। आखिरकार ये जो बड़ी एक मोबाइल वैन जो दिखाई दे रही है, इसका अपना क्या महत्व है, आखिरकार इसके लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, यही जानने के लिए आज हम कैंसर अस्पताल आए हुए। इस समय में हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर प्रकाश वाकोड़े हैं, उनसे जानना चाहेंगे। वाकोड़े साहब, ये बताइए जिस तरह से ये जो वैन यहाँ पे लाई गई है, ये लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य में इसको वैन कहने से मोबाइल अस्पताल कहना ज्यादा उचित होगा। ये महाराष्ट्र शासन से सितंबर 2019 में अपने को मिली थी। इसका मूल उद्देश्य था कि दूर दराज के जो पेशेंट है, रुग्ण है, वहाँ तक के जाकर उनको जांच करके जिनको ज़रूरी है यहाँ पर उनको बुलाने का और उनको जो ज़रूरी है वो ट्रीटमेंट देने का, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। अभी तक हमने इसमें 50 कैंप लिए हैं, जिसमें जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज है उनके तरफ से भी हेल्प मिली है, जेसीज है, लायंस क्लब है, इनके भी तरफ से हेल्प मिली है और ऐसे 50 कैंप्स हमने इसके द्वारा किए गए हैं। तो एडिशनल डायरेक्टर जो वाकोड़े साहब थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से वैन लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। इस समय में हमारे साथ में डॉक्टर बीके शर्मा हैं, जो कैंसर इस विषय को लेकर अब तक के कई मरीजों का उन्होंने उनको अच्छा किया है। आइए उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये जो मोबाइल जो वैन भेजी गई है, ये कितना कारगर साबित होगी? पहली बात तो ये, जैसा कि अभी वाकोड़े साहब ने बताया कि ये इसका नाम मोबाइल अस्पताल रखना चाहिए, तो अस्पताल के कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर में वो सारी सुविधाएं हैं जो हम एक मरीज को अलग अलग प्रकार के जिनको की कंप्लेंट रहती है उनकी जांच करते हैं। और विशेषता इस मोबाइल वैन का ये है कि इसके अंदर वो जो जैसे कि हम जो आजकल कैंसर जो बहुत कॉमन कैंसर हो रहे हैं, जैसे मुँह का कैंसर, जैसे स्तन का कैंसर, जैसे कि लेडीज का कैंसर और जैसे कि और भी जो अन्य कैंसर का डायग्नोसिस होता है, और वो भी डायग्नोसिस हम लोग अंदर करते हैं जो एक सेटअप है हमारा जिसको हम लोग पैथोलॉजी विंग कहते हैं। तो आज ये बात को तथ्य है कि 19 जैसे सर ने बताया कि सितंबर 2019 से हमने कम से कम 50 कैंसर कैंप किए हैं और कई मरीजों को हमने यहाँ ला के उनको फ़ायदा पहुँचाया है। इसलिए विशेषता इस वैन की यही है कि इसमें वो सारी उपलब्धियाँ हैं जो हमारे विशेषज्ञ वहाँ पर उनकी जांच करते हैं और जांच करने के बाद में उनका निदान होता है और यहाँ पर हम उनको बुलाए जाते हैं और उनका यहाँ पर हम उसका इलाज करते हैं। तो मोबाइल कैंसर डायग्नोस्टिक ये जो वैन है, इसके अंदर में क्या क्या विशेषता है, अब इन भी सिंक्रेटिंग हमारे दर्शक को बताने जा रही है। आइए हमारे साथ इस कैंसर डायग्नोस्टिक वैन में जब हम आए तो हमें ये यहाँ पे देखने के मिल रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर पूरा आप देख रहे हो, ये वही वैन है जो ENT और डेंटल कैंसर के जो मरीज होते हैं उनका इलाज यहाँ पे किया जाता है। इस समय में डॉक्टर सप्रे साहब है जो कि कैंसर के बहुत बड़े तज्ञ हैं, कई मरीजों का उन्होंने भला भी किया है, अच्छा किया है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि अक्सर ये देखा जाता है कि शहरी लोगों के लिए तो अस्पताल होता है, मगर ये वैन क्या काम करती है? देखिए, आज हमारा जो भारत देश है वो गाँव में ज़्यादा बसा हुआ है और गाँव के लोगों को ज़्यादा कैंसर हो रहे हैं, तो योजना ऐसी बनाई गई है कि गांव का व्यक्ति अगर यहाँ नहीं आ सकता तो हम वैन लेके वहाँ पहुँच जाए और गांव के व्यक्ति को जो कैंसर होते हैं मैक्सिमम वो नाक कान गले के होते हैं, तो उसका निदान लगाया जाए और जमे तो उसकी बायोप्सी ली जाए, जिससे उसे समझ जाएगा कि आगे के इलाज के लिए उसे आने का है।
इस मोबाइल वैन के और भी कुछ विशेषता जैसे कि ENT और जो डेंटल था उसके बारे में हमने जानकारी दी। अब जो ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो उसका निदान कैसे होता है, डॉक्टर चांदे हमारे साथ में है, इसी वैन में वे काम करते हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर ये बताइए कि जिस तरह से वैन में कई ऐसे सेक्शंस पाए गए हैं, ये सेक्शन के बारे में जानकारी दीजिए। ये जो सेक्शन है ब्रेस्ट कैंसर का जो निदान है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो इस मोबाइल वैन के अंदर ये जो गांव-गांव में जाती है, तो ब्रेस्ट कैंसर में अगर कुछ है, अगर गांठ है ब्रेस्ट में, अगर कोई गांठ है तो उसको ढूंढने के लिए आई ब्रेस्ट एग्जामिनेशन नाम की ये मशीन है, जिसके जरिए हम ब्रेस्ट में छुपी गांठ को ढूंढ सकते हैं। और उस गांठ के बारे में, वो गांठ कड़क है, कैंसर संबंधी है, या फिर वो पानी से भरी हुई सॉफ्ट गांठ है, नरम गांठ है, इसका एक अंदाजा ले सकते हैं। ये आई ब्रेस्ट एग्जाम मशीन से हम स्तन के अंदर छुपी गांठ ढूंढ सकते हैं, और वो गांठ कैंसर के तरफ इशारा करती है या बिना कैंसर की तरफ इशारा करती है, इसका एक अंदाजा लगा सकते हैं। ENT और डेंटिस्ट का विभाग हमने देखा, उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर किस प्रकार का, उसका निदान कैसे किया जाता है इस वैन के माध्यम से, वो भी दिखाया। अब हम मुख्य बात वो होती है कि हर मरीजों की होती है पैथोलॉजी, चाहे खून की जांच हो या चाहे फिर और भी कोई जांच हो, तो पैथोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण काम भी इसी यहाँ पे देखिए। आप थोड़ा पैन करके बताइए कि ये वही मशीन है, और डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। मैडम ये बताइए कि इस मशीन के क्या क्या फायदे लोगों को होते हैं और क्या प्रॉपर्टीज है इसकी। जब हम लोग कैंसर की जांच करने गांवों में जाते हैं, तो जैसे मुंह का कैंसर है, या हम लोग जो पैप स्मियर्स करते हैं, गायनी का कैंसर है, तो पैप स्मियर या जो ओरल स्क्रैप साइटोलॉजी है, वो पहले हम यहाँ लाते थे हॉस्पिटल में, और फिर हम 7 दिन बाद रिपोर्ट दे पाते थे। वो जांचें हम यहीं पे स्टेन करके यहीं तुरंत 2 घंटे के अंदर पेशेंट को रिपोर्ट दे देते हैं, जिससे कि यदि कैंसर है तो वही पेशेंट को हम यहाँ पर लाते हैं। इसके अलावा हम इस वैन के जरिए बायोकेमिस्ट्री मतलब शुगर वगैरह के टेस्ट वहीं कर पाते हैं पेशेंट के। फिर हम लोगों ने CBC की मशीन लगाई हुई है, जिससे हम हीमोग्लोबिन और बाकी पैरामीटर्स भी वहीं जांच करके देते हैं। तो जो ब्रेस्ट कैंसर या वो है, हम FNAC करते हैं और यहीं पर जाँच करके बता देते हैं कि पेशेंट को बड़े ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल आना है या नहीं आना है। पैथोलॉजी के बाद अब हम आए गर्भाशय का, जो मुंह का कैंसर होता है, उसका निदान इस वैन में कैसे किया जाता है, आइए जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ में। सर ये बताइए कि गर्भाशय के मुंह का जो कैंसर होता है, जब आप ग्रामीण इलाकों में चलता है तो कैसा होता है, क्या निदान करते हो? हम लोग 2 टेस्ट करते हैं, एक कॉल्पोस्कोपी करते हैं और एक पैप्समियर करते हैं। ये दोनों टेस्ट इसी गाड़ी में होता है, और इससे गर्भाशय के मुँह का कैंसर का डायग्नोसिस और उसके पहले का जो स्टेज है, जो 3-4 साल पहले का डायग्नोसिस, हम लोग ये दोनों पैप्समियर और कॉल्पोस्कोपी मशीन से हम लोग वो कर लेते हैं, ताकि कैंसर होने के पहले का स्टेज हम लोग इससे निदान कर सकते हैं। इससे ये CA सर्विक्स मतलब गर्भाशय के मुंह के कैंसर का निदान करती है, और गर्भाशय का मुंह का कैंसर अपने देश में सबसे कॉमन ब्रेस्ट का कैंसर है, और 2nd नंबर पे गर्भाशय के मुंह का कैंसर है। हर साल 1.5 लाख औरतों को ये गर्भाशय के मुंह का कैंसर होता है, और उसमें से 80 से 90 हज़ार औरतें ये कैंसर की वजह से उनको जान गंवानी पड़ती है। तो ये टेस्ट है कॉल्पोस्कोपी और पैप्समियर जो इस गाड़ी में होता है, उससे गर्भाशय के मुंह के कैंसर के पहले का स्टेज हम लोग डायग्नोस करते हैं और उसको वैसे ट्रीटमेंट देते हैं हमारे हॉस्पिटल में। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये वही वैन है जो कैंसर अस्पताल में आई हुई है, जिलाधिकारी के कार्यालय की ओर से दी गई है। और ये जो वैन है अपने आप में बहुत ही बड़ी और अच्छी वैन है, क्योंकि इसमें मात्र शहरी लोगों का नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों में दूर दराज जो देहातों में लोग रहते हैं, उनका इलाज करने का काम यही वो वैन कर रही है, जिसके चलते ग्रामीण लोग कई इसका फायदा भी उठा रहे हैं और उनका अच्छा स्वास्थ्य भी हो रहा है। बशर्ते इसके लिए ये वैन जो है ये और भी ग्रामीण इलाकों में पहुँचना चाहिए और वहाँ के लोगों को जन जागृति करना चाहिए, क्योंकि देश के लोग हर जगहों में फैले हुए हैं। ऐसे में कुछ गरीब तबके के और गरीब लोग हैं जो शहर में आके अपने इलाज नहीं करवा सकते, ऐसे में ये जो वैन है अपने आप में काफ़ी कारगर साबित हुई है और इसका फायदा लोगों को हो रहा है। टुकड़ा की पुतला कैंसर रीजनल अस्पताल से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मीरे, NBCN न्यूज़ नागपुर।